नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ संकल्प स्टडी सर्कल के एप्लीकेशन में और यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो बच्चे, आज से हम आपको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको सबसे पहला चैप्टर हमने परसेंटेज पढ़ाया है, और ये जो बैच है बच्चे आपका, ये वर्दी बैच के नाम से है, जिसमें आपका सीजी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी दोनों को कवर किया जा रहा है। साथ में अगर आरपीएफ की वैकेंसी कोई आती है कांस्टेबल वाली, तो बच्चे उसका भी सिलेबस इसी में कवर हो जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चे, आज हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया था परसेंटेज, और परसेंटेज की टोटल 8 क्लासेस हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उनको एक एक करके डेली देखते जाइए, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। और आज से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उस नए चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। और यहां से जो बच्चे ने पहले की क्लासेज अटेंड नहीं की है, तो दिक्कत उसको नहीं लेना है, आज से भी उसको सारी बातें समझ में आएंगी। तो आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और आज की क्लास का जो टॉपिक है बच्चे, वो क्या है? लाभ और हानि। और लाभ और हानि से संबंधित जो हम क्वेश्चन करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहले हम आपको कंसेप्ट थोड़ा सा बताते हैं, और फिर उसके बाद बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। नोट्स में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सॉल्यूशन लिखते चलना जो हम आपको बताते चलेंगे। क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे, तो आप वहां से नोट डाउन घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक बच्चे हमारे क्लास का क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो थोड़ा सा फंडामेंटल समझ लीजिए लाभ और हानि के बारे में, फिर हम कहानी को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। देखो, तो बच्चे टॉपिक का नाम क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जिक्र करें, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट को हम लोग बच्चे हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ। क्या बोलते हैं? लाभ। और लॉस को क्या बोलते हैं बच्चे? हानि, ठीक है। अब ये लाभ या हानि कोई अलग से चैप्टर जैसा मत सोचो, एकदम कॉमन सेंस की तरह सोचो। क्योंकि कोई भी, अगर आपको जैसे अगर आप कोई भी दुकान खोलते हैं या कोई भी काम करते हैं अपने जीवन में, कोई भी काम करते हैं, तो हमेशा बच्चे वहां पे आप अपने प्रॉफिट के बारे में और हमेशा अपने लॉस के बारे में जरूर सोचते हैं। तो आपको प्रॉफिट और लॉस एक ऐसी चीजें हैं कि जरूरी नहीं कि आपको कोई ज्ञान हो पहले का, तभी आप लाभ और हानि को समझ पाएंगे। एकदम कॉमर्शियल मैथमेटिक्स होता है, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स होता है, और इसको बेसिक तरीके से ही सॉल्व करना है, बिना किसी फालतू के झंझट में फंस के कि इसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद होगा तभी सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। आपको केवल कंसेप्ट पे फोकस करना है, और कंसेप्ट पे फोकस करते आप क्वेश्चंस का जवाब तुरंत का तुरंत देंगे। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा लाभ और हानि के बारे में। तो लाभ क्या है और हानि क्या है, तो एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो ये जो मार्कर दिख रहा है, ये मार्कर मैंने मान लो 500 रुपए का खरीदा। कितने रुपए का खरीदा? 500 रुपए का। तो याद रखिएगा कि जिस कीमत में मैं वस्तु को खरीदता हूँ, वो वस्तु का क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। तो अभी क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, ये सारी शब्दावली बकायदा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि इस मार्कर को मैंने कितने में खरीदा बच्चे? 500। कितने में खरीदा? तो इस मार्कर को मैंने कितने में खरीदा? 500। कितने में खरीदा? 500 में। अब मैं सोच रहा हूँ इस मार्कर को बेचना मार्केट में, और इसको मान लो मैं बेचता हूँ कितने में बच्चे? 800 रुपए में। कितने में बेचता हूँ? 800 रुपए में। तो 500 रुपए का मार्कर मैंने खरीदा है, और इसको बेचने की बात किया तो मैंने कितने में बेचा? 800 में। मतलब कोई ग्राहक आता है मेरे पास तो मैं उसको कितने में बेच देता हूँ? 800 में। तो आप ये बताओ, 500 रुपए का सामान खरीद के अगर आप 800 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, तो कोई बच्चा बता देगा सर सीधा सीधा हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ का ही मतलब क्या है सर? फायदा। और कितने का लाभ हो रहा है सर बताइएगा? 300। कितने का लाभ हो रहा है? 300 का। तो आपने लाभ तुरंत बता दिया, तो लाभ से आपको एक समझ में आया कि जितने में खरीद रहे हो, अगर आप अधिक कीमत पे बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। पहले बताओ लाभ का मतलब समझ में आया? जैसे अगर मान लो इसी चीज को अगर मैं ऐसा बोलता कि अगर मैं मार्कर को 500 रुपए में खरीदा हूँ, मार्कर को कितने में खरीदा हूँ बच्चे? 500 रुपए में। लेकिन मान लो मैंने इसको बेच दिया कितने में? 300 रुपए में। कितने में बेच दिया? 300 रुपए। तो 500 रुपए का मार्कर खरीद के अगर मैं 300 रुपए में बेचता हूँ, तो बच्चे अब बताओ मुझे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? क्या हो रहा है बच्चे? हानि। क्योंकि 500 का खरीद के मैं 300 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है? हानि। क्या हो रहा है? हानि। और कितने की हानि हो रही है बच्चे? 200 की। कितने की हानि हो रही है? तो 200 की। तो 200 की हानि हो रही है, और हानि को ही अपन क्या बोलते हैं? लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस। तो आपको ये भी समझ में आया कि जिस कीमत पे आप सामान खरीदते हैं, और उससे कम कीमत पे सामान को अगर बेच देंगे, तो आपको ऑब्वियस सी बात है हमेशा क्या होगा बच्चे? हानि। क्या होगा? हानि। तो एक तो हमने बात किया लाभ के बारे में, और एक बात किया हमने किसके बारे में? हानि के बारे में। तो इसी से हम एक कहानी तैयार करते हैं। पहले बताइए इतना पॉइंटर क्लियर हुआ? तो अब हम कुछ टर्मोलॉजी यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं, उन शब्दों के बारे में पहले हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द लाभ और हानि का जो आपके सामने मिलेगा, वो बच्चे क्या मिलेगा? जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं?
कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। अब सवाल उठता है सर ये कॉस्ट प्राइस और क्रय मूल्य क्या है? तो जिस कीमत पे आप वस्तु को खरीदे थे वही कीमत क्या होती है? क्रय मूल्य। वही कीमत क्या होती है? क्रय मूल्य। तो जैसे मान लीजिए आपने मार्कर कितने में खरीदा था बच्चे? 500 में। तो आपका जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? 500। क्या होगा? 500। यहाँ पे भी आपने मार्कर कितने में खरीदा था? 500। तो ये आपका क्या है? क्रय मूल्य। तो जिस कीमत पे आप वस्तु को खरीदते हैं वो उस वस्तु का क्या होता है बच्चे? खरीदी मूल्य, मतलब क्रय मूल्य। क्लियर है कि नहीं? अब बच्चे मान लो आप जिस कीमत पे वस्तु को बेचेंगे, जिस कीमत पे आप वस्तु को क्या करेंगे? बेचेंगे। तो जिस कीमत पे आप वस्तु को बेचते हैं वो उस वस्तु का क्या होता है बच्चे? विक्रय मूल्य। क्या होता है बच्चे? विक्रय। क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो उसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ लो, फिर हम आगे लेके चलें। तो जिस कीमत पे आप वस्तु को बेच रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो आप कितने में बेच रहे हैं यहाँ पे? 800 में। तो आपका विक्रय मूल्य क्या कहलाएगा? 800। और यहाँ पे वस्तु को आप कितने में बेच रहे हैं? 300 में। तो आपका विक्रय मूल्य क्या कहलाएगा? 300। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर आप 500 का खरीद के 800 में बेच रहे हैं तो आपको लाभ हो रहा है कितने का? 300 का। तो आप देख सकते हैं कि आपका क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य बड़ा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विक्रय मूल्य क्या है? बड़ा है। तो जो बड़ा रहता है उसके साइड ऐसे मुंह खुला रहता है, मुंह क्या रहता है? खुला। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा तो हमेशा बच्चे आपको क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा बच्चे? प्रॉफिट। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन अगर मान लीजिए क्रय मूल्य बड़ा हो गया विक्रय मूल्य से तो हमेशा आपको क्या होगा बच्चे? लॉस। क्या होगा बच्चे? लॉस। तो दो शब्द हमने तैयार कर दिए, एक हो गया क्रय मूल्य और एक हो गया विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हमेशा आपको क्या होगा? प्रॉफिट। अगर आपका क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है तो बच्चे वो हमेशा क्या होगा? लॉस। क्या होगा? लॉस। तो आपको ये बताइए प्रॉफिट का मतलब और लॉस का मतलब और क्रय मूल्य का मतलब और विक्रय मूल्य का मतलब, इतना क्लियर है? इतना समझ में आया? तो ये एक छोटा सा पॉइंटर हमने आपको बताया है, क्लियर है कि नहीं? अगर आप चाहें थोड़ा बहुत लिखना तो लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, कोई इसमें समस्या नहीं है। पहले इतना क्लियर है कि नहीं? तो इतनी सी बातचीत हमने सबसे पहले रखा। अब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना? अब इसके बारे में और चर्चा अभी होगा, अभी हम उस बात पे और आगे लेके चलेंगे। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब इसमें जो ये टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम किस तरीके से पढ़ाएंगे? तो इसको तीन हिस्सों में हमने बांटा है। कितने हिस्सों में बांटा है? तीन। पहला जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं कीमत पे आधारित पोषण। क्या होता है बच्चे? कीमत पे आधारित पोषण, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइस बेस्ड पोषण। हिंदी में क्या बोलेंगे? कीमत पर आधारित प्रश्न। क्या बोलेंगे? कीमत, मतलब जो आपका कीमत होगा उस पर आधारित पोषण होगा। दूसरा हम आपको पढ़ाएंगे क्वांटिटी पे आधारित क्वेश्चन। क्या पढ़ाएंगे बच्चे? क्वांटिटी पे आधारित क्वेश्चन। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? मात्रा पर आधारित। क्या बच्चे? मात्रा पर आधारित क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। तीसरा बच्चे जो होगा, पहला हो गया प्राइस और दूसरा हो गया क्वांटिटी, और तीसरा एक और आता है बच्चे डिस्काउंट। क्या होता है डिस्काउंट? आपने डिस्काउंट सुना भी होगा, जैसे दुकान में आपको इतने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, आप कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट परसेंट रहता है। तो वही डिस्काउंट, मतलब जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? छूट बोलते हैं, और इसको बट्टा भी बोला जाता है। छूट भी बोला जाता है और बट्टा भी बोला जाता है। तो डिस्काउंट मतलब बट्टा या छूट, इस पे आधारित भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे। तो कुल मिला के तीन वैरायटी में हम इसको पूरा कवर करेंगे। पहला होगा कीमत पे आधारित, दूसरा होगा मात्रा पे आधारित, और तीसरा होगा बच्चे डिस्काउंट पे आधारित। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो इतनी सारी चीजें अभी हमें कवर करनी है, लेकिन अभी हमने फंडामेंटल पे थे। फंडामेंटल में हमने आपको क्रय मूल्य के बारे में और विक्रय मूल्य के बारे में, लाभ के बारे में और हानि के बारे में बताया, क्लियर है? अब इसी बात से एक चीज तैयार होता है कि अगर आपको कोई बोले कि बताओ कितने का प्रॉफिट है, तो आपने तुरंत बता दिया था, लेकिन इसी के लिए लोग फॉर्मूला लिखवा देते हैं। तो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो हमेशा बच्चे जितने में आप बेच रहे हैं और जितने में आपने खरीदा है, दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या पता चल जाएगा? प्रॉफिट। क्या पता चल जाएगा? प्रॉफिट। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। क्लियर है कि नहीं है? जैसे हम 800 में से 500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 300। तो हमें लाभ कितने का हो रहा है? 300 का। क्लियर है बच्चे? उसी प्रकार से आप यहाँ पे लॉस भी निकाल सकते हैं। अगर आपको लॉस निकालना होगा तो क्रय मूल्य आपका बड़ा हो जाता है, खरीदी मूल्य बड़ा होता है, और जिसमें बेच रहे हो वो कीमत कम रहती है। तो क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य माइनस कर दोगे, मतलब दोनों का अंतर निकालोगे, तो क्या निकल जाएगा बच्चे? लॉस। क्या निकल जाएगा? लॉस। तो आपने इतना बातचीत अभी कंप्लीट किया, आई थिंक ये बात क्लियर होगा। पहले बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? तो आपको इतना बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, तो अब हम आगे कहानी को लेके चलते हैं।
जैसे हमने आपसे बोला था कि सामान आपने कितने में खरीदा था, 500, कितने में खरीदा था, तो जिस कीमत पे आप सामान को खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और आपने उसी सामान को कितने में बेच दिया था, 800 में, 800 में बेचे थे, कितने बेचे थे, कितने बेचे थे, 800, तो 800 में बेच दिए, तो जिस कीमत पे आप बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो इसमें से आपको ये पता चल गया सर यहाँ पे कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर, प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर, 300 का, कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर, 300 का। क्या आपको ये क्लियर था? लेकिन अगर हमारा सवाल होता सर ये बताओ कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, अब अगर हम आपसे पूछते बताइए प्रॉफिट का प्रतिशत कितना होगा, कितने परसेंट का प्रॉफिट, जैसे आप परीक्षा देते थे स्कूलों के बारे में हम जिक्र करते हैं, जैसे आप एग्जाम देते थे स्कूलों में तो आपके मार्क्स आते थे, बोर्ड एग्जाम देते थे दसवीं का, तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आते थे, तो आपसे घर वाले बोलते थे बताओ बच्चे कितना परसेंट आया है, तो आप कैसे निकालते थे परसेंट, कि जितने नंबर आए हैं सब विषयों में सभी विषयों के नंबर को जोड़ लेते थे, और जोड़ने के बाद नीचे क्या लिखते थे, पूर्णांक, क्या लिखते थे, पूर्णांक, और गुणा किससे कर देते थे, 100 से, किसे गुणा कर देते थे, 100 से। तो सभी बच्चे ऐसे निकालते होंगे परसेंटेज, क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ भी हम बच्चे जो आपके मार्क्स का परसेंट पूछते थे उसी प्रकार से अभी हमने क्या पूछा है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ, प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए करते क्या है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको आप ऊपर लिखेंगे और हमेशा नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदी मूल्य। तो हमेशा प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए नीचे हमेशा क्या लिखना होता है, क्रय मूल्य, क्या लिखना होता है, क्रय मूल्य। और परसेंट निकालने के लिए आपको पता था किससे गुणा करते हैं, 100%, किसी भी फ्रैक्शन में अगर आप फ्रैक्शन में 100 का गुणा कर देंगे तो किसमें आ जाएगा, परसेंट में, किसमें आ जाएगा, परसेंट में। तो जैसे यहाँ पे पूछा है बताइए कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो लाभ को ऊपर लिखेंगे, नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे, गुणा क्या कर देंगे, 100, तो क्या निकल जाएगा, लाभ का प्रतिशत, क्या निकल जाएगा, लाभ का प्रतिशत। तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए आपको कुछ रटना नहीं है, बस इतना याद रखना है जितने का लाभ हुआ, क्योंकि देखो अगर आप एक दुकानदार है 500 का सामान खरीदते हैं पर आप कितने में बेचते हैं, 800 में, तो आपको कितने का मुनाफा हुआ, 300 का। तो 300 का मुनाफा अगर आपके पिताजी पूछे बेटा आज बताओ कितने परसेंट का मुनाफा हुआ, तो आप बोलेंगे 300 का पापा मुनाफा हुआ है, कितना खर्च करने पे, कितना हमने जेब से लगाया था, 500। तो जितना जेब से लगाते हैं उसी को नीचे लिखते हैं, और जो जेब से लगाई गई राशि होती है बच्चे उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो 300 का लाभ हुआ था कितने में बच्चे, 500 रुपए जेब से खर्च करने पे। दुकानदार भी तो जेब से खर्च करता है ना, पहले पैसा लगाता है तब उसको सामान मिलता है फिर वो बेचता है, तो यहाँ से जो जेब से लगाते हैं उसे ही हम क्रय मूल्य बोलते हैं, क्लियर है कि नहीं है? तो 300 का मुनाफा हुआ कितने में, 500 में। और परसेंट निकालना हो तो ऑलवेज गुणा किससे करेंगे, 100% से। जब आप ये गुणा करेंगे तो 0000 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5×30, कितने परसेंट का मुनाफा हो जाएगा, 60%, कितने परसेंट का मुनाफा हो जाएगा, 60% का। ये बताइए ये क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपको प्रॉफिट है, लॉस है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो क्या आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल बच्चे प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होगा। पहले बताइए बच्चे इतना क्लियर है कि नहीं, इतना समझ में आया? तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना है, इसमें कोई समस्या किसी को? तो ये बात आपको दिमाग में रहेगा तो हम आगे बढ़े, इसको भी आपने नोट कर लिया होगा, क्लियर है कि नहीं है? तो छोटा छोटा लिखते चलना, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात चलते हैं लॉस परसेंट में, किसमें चलते हैं, लॉस परसेंट में। सपोज करो अब आपने मार्कर कितने में खरीदा था बच्चे, 500 में, कितने में खरीदा, 500 में। अब मान लो ये मार्कर बिक ही नहीं रहा था तो आप सोचे इसको सस्ते में निकाल दो यार, कुछ तो पैसा मिलेगा, तो आपने इसको मान लो कितने में बेच दिया बच्चे, 300 में, कितने में बेच दिया, 300 में, कितने में निकाल दिया, 300 में। 500 का आपने खरीदा था, जेब से आपने खर्चा 500 किया था जब आप खरीद रहे थे, लेकिन आज बेचने की बारी आई तो आप 500 में भी नहीं बेच पा रहे, आप कम में बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 300 में। तो आप ये बताइए आपको नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, साफ साफ आपको नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है बच्चे, 200 की, कितने की हानि हो रही है, 200 की। अगर हम आपसे पूछें ये बताइए कि कितने परसेंट की हानि हो रही है, तो क्या आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आपको हानि परसेंट निकालना हो तो आपको जितने की हानि हुई हो उसको ऊपर लिखिएगा, और हानि का परसेंट हमेशा बच्चे ये भी किसमें निकलता है, क्रय मूल्य में, किसमें निकलता है, क्रय मूल्य में, खरीदी मूल्य में, जितना आप इन्वेस्ट करते हैं और इंटू क्या कर देते हैं, 100%। तो कहने का मतलब रटना नहीं है, समझ के चलना है कि अगर आपको लाभ हो या हानि हो, लाभ हो या हानि हो, हमेशा बच्चे नीचे क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य, क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य। जितना आप जेब से लागत लगाते हैं उसी पे ही परसेंट निकालना होता है। तो बस बच्चे इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस बात में अगर आएंगे तो 500 का सामान था, 300 में आपने बेचा, मतलब आपको नुकसान कितने का हुआ बच्चे, 200 का। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, 200, और ये नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, कितना लिखेंगे बच्चे, 500, और परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100%। ये देखो 100 और ये 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 5 से कट जाएगा, 5 × 20, और ये कितने परसेंट का नुकसान हो गया बच्चे,
40% आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट भी समझ गए, लॉस परसेंट भी समझ गए, क्रय मूल्य भी समझ गए, विक्रय मूल्य भी समझ गए। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चे, किसी को समझ में आया यहाँ तक? अब हम स्केल को आगे बढ़ाएं, लेवल थोड़ा इंक्रीज करें। तो अभी तक तो सिंपल सा है, लैंग्वेज सिखा रही, लेवल कुछ नहीं है, सब इजी होता है, बस आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, तो सब मजा आएगा पढ़ने। क्लियर है कि नहीं? यहां तक ओके। तो आपको क्रय मूल्य पता चल गया, विक्रय मूल्य पता चल गया, प्रॉफिट परसेंट पता चल गया, लॉस परसेंट पता चल गया। अभी के लिए इतना रखते हैं और बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया आप सब लोगों को? सभी को क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आपको इतना बात क्लियर है। एक बात और बता देते हैं थोड़ा डिस्काउंट के बारे में। किसके बारे में? डिस्काउंट। वैसे जरूरत तो नहीं है अभी फिलहाल में डिस्काउंट के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देंगे तो चलेगा। लेकिन अभी रहने दे, चलेगा क्या? इतना पर्याप्त है? चलो एक बार रिविजन मार लेते हैं पूरा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये बताओ, अगर हम बोले कि सीपी अगर आपका एसपी से ज्यादा है, समझिएगा ना, क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से, तो आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो खरीदी मूल्य अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉस। क्या हो जाएगा? समझ पाते हैं? ठीक है, अगर हम आपसे बोले ये बताइए कि अगर आपका विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया क्रय मूल्य से, आप अधिक में बेच रहे हैं कम में खरीद रहे हैं, तो क्या होगा? तो हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा बच्चे? क्लियर है कि नहीं? और लॉस कितने का होगा? सीपी माइनस एसपी। इसको रटोगे कि समझोगे? समझेंगे, रटना नहीं है। क्लियर है? और प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चे? एसपी माइनस सीपी। क्लियर है कि नहीं? लेकिन मान लीजिए तीसरा केस, अगर आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो जाए, तो जितने में खरीदते हो उतने में ही बेच देते हो, 500 का सामान खरीद के लाते हो मार्केट और 500 में बेच दिए, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, क्योंकि जितने में खरीदे उतने में निकाल दिए। तो आपका यहाँ पे बच्चे होता है नो प्रॉफिट और लॉस, ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। क्या ये तीनों क्राइटेरिया क्लियर है? इतना समझ में आया? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये सब क्लियर है? चलो, तो ये तो हो गया फंडामेंटल बातचीत। अब हम आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन कराने के पहले कुछ हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ कहानी इसकी बात करते हैं। पहले यहां तक क्लियर है सभी को? चलो अब आते हैं यहां पे मेन कहानी। एक चीज आप हमेशा याद रखना, आप जिस कीमत पे वस्तु को खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते थे? क्रय मूल्य। क्या बोलते थे? और मूल्य जो होता है वो रुपया के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? रुपया। लेकिन आप हमेशा एक बात अपने दिमाग में बैठा के चलेंगे, जो क्रय मूल्य होता है उसको आप हमेशा अपने से क्या मान के चलेंगे? 100%। कितना मान के चलेंगे? 100%। क्या ये मान के चलेंगे? तो आप हमेशा एक बात मान के चलिएगा कि क्रय मूल्य को हम कितना परसेंट मान के चलते हैं? 100%। कितना परसेंट मान के चलते हैं? तो क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। कितना परसेंट होता है? 100%। तो अगर हम आपसे बोले ये बताइए, आपको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का। तो ये बताइए आपका विक्रय मूल्य कितना परसेंट होगा? 100% आपका क्रय मूल्य है, 20% आपने फायदा कमाया है, तो आप कितने में बेच रहे होंगे? 120। कितने में बेच रहे होंगे? तो कभी भी अगर आपको क्रय मूल्य अगर आपने 100 माना है, आपका प्रॉफिट परसेंट है, आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो आप हमेशा प्रॉफिट को क्या कर देंगे? 100 में जोड़ देंगे। 100 में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या ये दिमाग में बैठाएंगे? तो आपका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना परसेंट हो जाएगा बच्चे? 120% हो जाएगा। 120%, मतलब 120% हो जाएगा, मतलब जो खरीदी कितना था आपका? 100%। और बेच कितने में रहे हो? 120% में। तब जाके मुनाफा कितने का कमा रहे हो? क्या ये क्लियर? अगर हम आपसे बोले ये बताइए कि क्रय मूल्य को तो आप अपने से कितना मान के चलेंगे? 100%। कितना मान के चलेंगे? अगर हम आपसे बोल दें कि आपको प्रॉफिट हो रहा है बच्चे 40%, कितने परसेंट था? 40%। तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा बताएंगे? कितना होगा? 140%। कभी भी प्रॉफिट होता है तो 100 में से जोड़ देते हैं, 100 में से जोड़ देते हैं, 100 को हमेशा क्रय मूल्य मानते हैं, और जितने का प्रॉफिट होगा उसमें से 100 ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। ये हो गया पहला पॉइंटर, समझ में आया? अगर मान लो मैं आपसे बोल दूं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% ही आपने माना हुआ है, ये दिया भी नहीं होगा तो मान ले रहा है, क्लियर है, और आपको लॉस हो रहा है बच्चे कितने परसेंट का? 20% का। कितने परसेंट की हानि हो रही है? 20% की। तो आप कितने में वस्तु को बेचेंगे? क्रय मूल्य तो 100% है, लॉस होता है तो 100 में से घटा देना है, 100 में से क्या कर देना है? घटा देना है। तो 100 में से अगर आप 20 घटा देंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चे? 80%। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80%। क्लियर है कि नहीं?
तो क्योंकि क्रय मूल्य 100 था, 100 में से 20 घटा देंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80%। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे बोल दूं कि अगर आपका वस्तु का क्रय मूल्य अभी भी 100% है, लेकिन अगर आप लॉस में बेच रहे हैं 40%, कितने परसेंट के लॉस में बेच रहे हैं, तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चे 60%। कितना परसेंट होगा 60%, क्योंकि 100 में से 40 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 60। ये बताओ क्लियर है कि नहीं, इतना समझ में आया? तो आपको क्या सीखने को मिला कि सर अगर प्रॉफिट होगा, अगर आपका सर प्रॉफिट होगा तो 100 में से जोड़ना है, अगर लॉस होगा तो 100 में से घटाना है। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। पहले बताओ बच्चे इतना क्लियर है कि नहीं, इसको लिखना चाहोगे? ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे कुछ और बातें करूंगा। पहले इतना क्लियर है? अच्छा अगर मैं आपसे बोलता हूं, ये बताओ किसी वस्तु को बेचने पर आपको 20% का लाभ हो रहा है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? ये ऐसा एरो बनाऊंगा मतलब प्रॉफिट, नीचे एरो बनाऊंगा तो मतलब लॉस। अगर मैं बोलता हूं किसी वस्तु को बेचने पर आपको 20% का लाभ हो रहा है, तो आप ये बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, बता सकते हैं? क्रय मूल्य खरीदी मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमने पूछा, तो हमने बोला आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बता सकते हैं? बिल्कुल। कैसे बताएंगे? अगर क्रय मूल्य नहीं दिया है तो आप अपने से उसको कितना मान लेंगे 100। पहला तरीका कितना मान लेंगे 100। तो आपने यहाँ पे क्रय मूल्य को अपने से कितना मान लिया 100। अब आप ये बताइए क्रय मूल्य कितना परसेंट हो गया 100% और फायदा कितने का हो रहा है 20%, तो ये विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120%, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120%। क्लियर है कि नहीं? अब आप बताओ बच्चे यहाँ से परसेंटेज और ये परसेंटेज क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि परसेंट का मतलब बटा 100 और ये भी बटा 100, तो दोनों जगह बटा 100 क्या हो जाएगा कैंसिल। रेशियो में अगर दोनों जगह सेम नंबर होता है तो क्या हो जाता है कैंसिल, क्या हो जाता है कैंसिल। ठीक है, अब ये बताओ ये 0 और 0 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये बताओ 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, कितना रेशियो आ गया 5:6, कितना आ गया 5:6। तो अगर आपको 20% का मुनाफा होता है, तो अगर आपसे कोई बोले कि 20% आपको इस वस्तु को बेचने पे 20% का मुनाफा हो रहा है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, तो आप सीधा सीधा बोल देंगे सर कितना होता है 5:6। पहले ये बताओ ये रास्ता क्लियर है कि नहीं, इतना समझ में आया? तो ये पहला वैरायटी था, समझ में आया? जैसे अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे कि सर आपको किसी वस्तु को बेचने पे 30% का मुनाफा हो रहा है, कितने परसेंट का मुनाफा हो रहा है 30% का, तो आप ये बताइए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य को आप कितना मानते हैं 100%, तो क्रय मूल्य तो 100% ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं? अब आप ये बताइए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30% का मुनाफा है तो आप 30 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 130, दोनों जगह परसेंट रहेगा और दोनों जगह सेम होगा तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रेशियो क्या बन जाएगा 0 और 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे 10:13। क्या ये बताइए ये क्लियर है कि नहीं, क्या ये समझ में आया? तो क्रय मूल्य अगर आपको 20% का लाभ है तो 5:6 हो गया, अगर 30% का लाभ है तो कितना हो गया 10:13। ये अनुपात है बच्चे, रेशियो का। एक रुपए का फायदा कमाना है तो मैं कितने में बेचूंगा 6 में, कितने में बेचूंगा 6 में, तो मेरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं? तो फायदा होता है तो हमेशा बढ़ा के बेचते हैं, नुकसान होता है तो कम करके बेचते हैं। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना निकाला था 5:6, और यहाँ पे भी कितना निकाला है 5:6। ये हमने परसेंटेज से किया है और ये किससे किया है रेशियो से, किससे किया है रेशियो से। तो अगर आपको परसेंटेज का रेशियो याद है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्लियर है कि नहीं? पहले इसको लिखना हो तो लिख लो, 2 मिनट में नेट का थोड़ा सा दिक्कत आया, पहले इसको लिख लो। चलो बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को, समझ में आया? तो सिंपल सी बात है कि आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं और परसेंटेज से भी कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा, बट कुछ जगह हम परसेंटेज से करेंगे और कुछ जगह रेशियो से करेंगे, दोनों जगह हमें मदद मिलेगा। पहले इतना क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी का, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो एक और बात लिखता हूँ, जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे कितने परसेंट का फायदा हो रहा है 30%, कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ 30% का फायदा हो रहा है तो 30% मतलब कितना होता है बच्चे 30/100, तो 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3/10। तो ये बताओ 10 को हम क्या मानते हैं क्रय मूल्य, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3 का, प्रॉफिट है तो ऊपर में प्रॉफिट होगा, लॉस होता तो ऊपर में लॉस होता, क्लियर है कि नहीं?
अब हम आपसे बोलते हैं ये बताओ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बता सकते हैं आप? बिल्कुल, क्रय मूल्य कितना दिख रहा है 10, 10 रुपए का मार्कर है, 3 रुपए का फायदा कमाना है, तो बेचूंगा कितने में? 13 में। तो रेशियो कितना हो जाएगा बच्चे? 10:13। क्लियर है? यहाँ भी 10:13 आया था, यहाँ भी आया, दोनों चीजें समझ में आया? दोनों को एक जगह लिख लो अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, पहले इसको लिख लीजिए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता दो। हो गया बच्चे? तो समस्या है, समझ में आया? तो आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो आप रेशियो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब हम आते हैं बच्चे किसमें? लॉस परसेंट। किसमें आते हैं? लॉस परसेंट। यहां तक क्लियर है? जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं, आपको मान लो किसी वस्तु को बेचने में 20% की हानि हो रही है, 20% की क्या हो रही है? हानि। तो ये बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो कैसे करेंगे? क्रय मूल्य को आप अपने से हमेशा कितना मान के चलते हैं? 100। कितना मान के चलते हैं? 100। और 20% का नुकसान है मतलब कितने में बेचेंगे? 80। कितने में बेचेंगे? 80 में। तो रेशियो क्या बन जाएगा? 20×5=100 और 20×80 कितना रेशियो आ जाएगा? 5:1। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अरे यार 20×5=100 यार पहाड़ा याद कर लेना 20 तक का, अगर एग्जाम क्रैक करना है 20 तक केवल याद होना चाहिए, एकदम सिंपल तो आ रहा था 20×5=100 20 के। क्लियर है बच्चे? अब अगर हम इसी चीज को रेशियो में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं? रेशियो में, वो भी बताएंगे, पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं। अगर हम आपसे बोलते हैं लॉस हो रहा है आपको 40% का, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 40%। तो ये बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बता सकते हैं? क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में? 100। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 में 40 का नुकसान है, कितने? 60। 20×5=100 और 20×3=60 कितना हो गया? 5:1। कितना हो गया? 5:1। क्लियर है कि नहीं? आप इसको रेशियो में भी कर सकते हैं क्या? ये समझ में आया? ऐसे क्या सोच रहे हो इसमें? समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहे, बहुत हल्की सी चीज बता रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बताइए। ठीक है, अब अगर हम आपसे पूछते हैं इसी चीज का उल्टा, कि अगर इसी चीज को रेशियो से बनाना होता, किससे बनाना होता? रेशियो से। जैसे समझिएगा, जैसे अगर हम आपको बोलते 20% का लॉस हो रहा है, 20% मतलब क्या होता है? 1/, कितना होता है? 1/5। तो ये बताइए अगर हम आपसे बोलते क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, तो हमने आपको बोला था प्रॉफिट परसेंट में भी नीचे क्रय मूल्य होता है और लॉस परसेंट में भी नीचे क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य, याद है ना? तो यहाँ पे भी नीचे ये वाला क्या होगा बच्चे? सीपी, और ये क्या होगा? लॉस। क्लियर है कि नहीं? तो 5 के क्रय मूल्य में कितने की हानि हो रही है? 1। मतलब आपने सामान कितने का खरीदा था? 5 का, लेकिन आपको नुकसान कितने का हुआ है? 1 का। तो आप बेचे कितने में होंगे? 5 रुपए का मार्कर खरीदा हूँ और 1 रुपए का नुकसान हो जाता है बेचते समय, कितने में बेचूंगा? कितने में बेचूंगा? 4 में। तभी ना, एक दुकानदारी, कॉमन दुकानदारी तो हर एक इंसान को आनी चाहिए ना जीवन में। कभी कुछ भी अगर बैठ गए हो दुकान में तो आप नुकसान तो नहीं करवा दोगे? हम आपको बोलते हैं 5 रुपए का मार्कर खरीदे हो, बताओ कितने में बेचोगे कि 1 रुपए का नुकसान हो जाए? तो आप बताओगे कितने में बेचेंगे? 4 रुपए। कितने में बेचेंगे? 4। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 5:1। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब अगर मान लो इसी चीज को, ये बताओ यहाँ भी 5:4 था, यहाँ भी कितना गया? 5 है। दोनों है, चीज एक है, रास्ते अनेक है, चीज एक है, रास्ते अनेक है। अब आगे चलते हैं इस पे। जैसे अगर हमने बोला यहाँ पे कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 40। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 40। तो 40% मतलब होता है 2/40% मतलब होता है 2/ कैसे आता है? 40/100 करेंगे तो 20×40 होगा और 20×5=100, ये आ जाएगा 2/5। अगर हम आपसे बोलते हैं बताइए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, तो क्रय मूल्य कितना दिख रहा है बच्चे? 5। कितना दिख रहा है? 5। अब 5 रुपए में कितने का नुकसान हो रहा है? 2 का। तो 2 का नुकसान हो रहा है तो 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। कितने में बेच रहे हैं हम? 3 में। तो 5 के सामान को 3 में बेचेंगे तभी हमें 2 का नुकसान होगा। क्लियर है कि क्या ये समझ में आया? ठीक है, तो यहां तक बच्चे ओके होगा तो आपको परसेंटेज और रेशियो दोनों में कोई प्रॉब्लम अब नहीं होना है। कोई दिक्कत है किसी को? तो अब हम आपसे कुछ सवाल और करेंगे, पहले इतना ठीक है।
तो प्रॉफिट में क्या करना होता है, जोड़ना होता है, लॉस में क्या करना होता है, घटाना होता है। क्रय मूल्य को हमेशा क्या मान के चलते हैं, 100%, और दूसरा रास्ता है रेशियो से कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अगर हम आपसे बोले ये बताइए, एक दुकानदार को 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 16 सही 2/3%। तो याद रखिएगा, हम आपसे पूछ ले बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो आप क्या करेंगे इसमें, क्रय मूल्य को आप पहले क्या मानेंगे, 100, क्या मानेंगे, 100, तो क्रय मूल्य तो 100 का, लेकिन विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 16 ज्यादा है, तो 100% में कितना जोड़ देंगे, 16 सही 2/3, और इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? लेकिन इन दोनों को जोड़ने में तकलीफ हो जाएगा कि नहीं, जोड़ तो सकते हैं वैसे, 100 और 16 कितना होता है, 116 सही 2/3, और ये कितना हो गया, 100%। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? अब इसको हल करोगे तो कैसे करोगे, ये पता है यहाँ पे इसको हल कैसे किया जाता है, यहाँ पे गुणा कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जानते हो ये बात, ठीक है, और इधर भी परसेंट है, इधर भी परसेंट है, क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये 100 का 100 रहेगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 छक्के, तो हल कर लेते हैं, 116 सही 2/3 है, तो हल कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, इसका गुणा करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है ऊपर वाले से जोड़ देते हैं, तो अगर आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 छक्के 18, 1 हासिल 3 और 1 4, और ये 3 एकम 3, 348 में कितना जोड़ेंगे, 2, कितना आ जाएगा, 350 बटे क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है कि नहीं? तो ये बच्चे आ जाएगा कितना, 350/3। क्लियर है? अब आप बच्चे इसको काट दो, 0 से 0 कट रहा है, 5 2 10 और 5 7 37, दोनों 5 से कट रहा था, क्लियर है? ये बटे में क्या दिख रहा है, 3, तो रेशियो को कभी भी बटे में नहीं लिखा जाता, रेशियो को कभी भी बटे में नहीं लिखा जाता, इसलिए बच्चे दोनों साइड आप कितने का गुणा कर देंगे, 3 का, तो यहाँ भी 3 का कर दीजिए, यहाँ भी 3 का, तो फायदा ये होगा, 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, अभी 3 यहाँ गुणा है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और ये बेचारा अकेला बचा है, कितना बचा, 7, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 6:7, क्या ये बताओ क्लियर है, हाँ या ना? लेकिन क्या आप एग्जाम में ऐसा करेंगे, अगर आप ऐसा एग्जाम में करेंगे तो आपको क्या लग जाएगा, समय, क्या लग जाएगा, समय, इसी चीज के लिए मैंने आपको रेशियो मेथड सिखाया था, क्या सिखाया था, रेशियो, तो ये मेथड इसके लिए बेटर नहीं है, इसमें टाइम लग जाता है, और ऐसे अगर आप एग्जाम में करेंगे, इसलिए आपको मैथ्स क्या लगता है, टफ, क्या लगता है, टफ, क्यों लगता है, क्योंकि आप इसी प्रक्रिया को फॉलो करते रहते हैं, और इसमें देखते हैं बहुत कैलकुलेशन है, क्लियर है कि नहीं, लेकिन ये आना चाहिए, क्लियर है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे वो बताते हैं, पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं, इतना समझ में आ रहा है सभी को, इतना ठीक है, तो अब इसी चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, इतना काम जहां ना करके, अगर हमें कुछ चीजें याद होती, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना बोला था, 16 सही 2/3%, क्लियर है कि नहीं, तो इसका अगर आप गुणा कर दो यहीं पे, तो ये इसको जोड़ दो, 16 3 48 में दो जोड़ोगे तो 50, ऊपर में क्या आ जाएगा, 50, और बटे में क्या है, बटे में क्या है, 3, और परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या होता है, इस परसेंट का मतलब होता है 1/100, क्या होता है, 1/100, 100 से भाग देते थे 25%, तो 25/100 लिख रहे थे ना, यहाँ भी इसका बटा क्या होगा, 100, बटा क्या होगा, 100, तो अब बस 100 हो गया, तो ये 50 एकम 50 हो जाएगा, 50 2 100 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1/ कितना आ जाएगा बच्चे, 1/6, तो 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6, तो अगर हम आपसे बोलते हैं बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो आपको क्रय मूल्य कितना दिख रहा है बच्चे, 6, और 6 में कितने का फायदा हो रहा है, 1 का, तो कितने में बेचोगे, तो ये आ गया रेशियो, क्या ये बताओ इससे अच्छा ये है कि नहीं, समझ में आया, इस तरीके से रेशियो बना सकते हो कि नहीं, तो मुद्दे की बात यह है कि आप इतना जो लंबा कैलकुलेशन किए वो इतना आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा कब करना है, जब आपका कैसा परसेंट दिया हो, फ्रैक्शन वाला, कैसा दिया हो, जैसे इस परसेंट उत्पटांग दिया है, 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, 37 सही 1/3, इस प्रकार के कभी भी परसेंट दिखे तो हमेशा किससे बनाना है, इसको फ्रैक्शन में बदल के रेशियो से करना है, ठीक करना है, रेशियो से, तब आपके एग्जाम में कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, तो पहले इसको लिख लीजिए कॉपी में, हो जाएगा,
सभी ने लिख लिया। हो गया बच्चों, तो कौन सा मेथड बेहतर है? ये कब बेहतर है? जब परसेंटेज किसमें हो, फ्रैक्शन में। और नॉर्मल परसेंट है तो इससे भी कर सकते हो और इससे भी, दोनों में टाइम कम लगेगा, लेकिन इस वाले में इसी से करना है। क्लियर है कि नहीं? अब जैसे एक आध एग्जांपल और देता हूं, तो आपको क्या चीज याद होना चाहिए, तो जब आप मेरा परसेंटेज का वीडियो देख लेना, ये जो परसेंटेज दिख रहे हैं ना, इसका फ्रैक्शन मैंने याद करवाया है। क्या करवाया है? याद। तो आपको याद होना चाहिए, ज्यादा नहीं है, ऐसे 8-10 फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, जिनका फ्रैक्शन याद होना चाहिए। तो वो कौन कौन से हैं जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो कि अभी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? एक होता है बच्चे कौन सा, 12.5%, जिसका मतलब क्या होता है, 1/8। एक होता है 16 सही 2/8, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको याद होना चाहिए। ये गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या लगता है, टाइम, उस टाइम को बचाने के लिए याद हो जाए तो अच्छा है, ठीक है? वैसे होता है 33 सही 1/3%, और ये चीज जो मैंने अभी लिखवा रहा हूँ, ये सब लिखवा चुका हूँ। अब परसेंटेज का पहला और दूसरा क्लास अटेंड कर लेना, उसमें सब बताया, क्लियर है ना? वीडियो के फॉर्म में 33 सही 1/3% कितना होता है, 1/3। क्लियर है कि नहीं? इतना ठीक है, इतना अभी याद कर लेना, इतना काफी रहेगा। एक और होता है 14 सही 2/7% कितना होता है, 1/7, कितना होता है, 1/7। क्लियर है कि नहीं? वैसे एक और होता है 16 सही 2/3%, 1/1/1 गलत लिखे हैं, ये तो हो गया था, ठीक है ना? चलो पहले इतना क्लियर है, बाकी आप सारा वीडियो से याद करेंगे परसेंटेज का, ठीक है? अभी के लिए इतना पर्याप्त, ठीक है? बाकी आप वीडियो से याद कर लीजिएगा। इतना ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम आपसे बोलते हैं एक दुकानदार को 12 सही 1/2% का प्रॉफिट हो रहा है, 12 सही 1/2% का प्रॉफिट हो रहा है, सही है? और हम आपसे पूछते हैं एक दुकानदार को 16 सही 14 सही 2/7% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, बता सकते हैं? तो अभी ये उम्मीद कर लेता हूं कि परसेंट का फ्रैक्शन आपको याद हो गया। निकालने का तरीका क्लियर है, निकाल तो लोगे ना, परसेंटेज का वीडियो देख लेना, वहां से याद कर लोगे, ठीक है ना? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, शेयर कर दूंगा, क्लियर है यहाँ तक? तो ये बताओ सबसे पहले 12.5% मतलब क्या होता है, 1/1 कितना होता है, 1/1, तो 8 के क्रयमूल में 1 का फायदा, तो 8 के क्रयमूल में 1 का फायदा मतलब कितने में बेचोगे, डायरेक्ट निकाल लोगे, लेकिन इसके लिए पहले ये याद होगा तो और स्पीड बनेगा, तो ये याद करना पड़ेगा परसेंटेज, क्लियर है कि नहीं? पहले इतना ठीक है। अगर मैं बोल दूं 14 सही 2/7% का फायदा हो रहा है, 14 सही 2/7% हमने क्या बताया, 1/7, 1/7, 1/7 है, तो 7 के क्रयमूल में 1 का फायदा कितने में बेचोगे, 8। क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हो? हाँ या ना? अगर मैं इसकी जगह ये बोल दूं कि आपको लॉस हो रहा है 12.5% का, आपको लॉस हो रहा है 14 सही 2/7% का, और आपसे मैं पूछूं बताइए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, बता सकते हैं? 12.5% मतलब कितना होता है, 1/8, 8 के क्रय मूल्य में कितने का नुकसान हो रहा है, 1 का, 1 का नुकसान हो रहा है, तो बेचोगे कितने में, 7 का, कितने में बेचोगे, 7। अगर 14 सही 2/7% बोलते हैं तो इसका मतलब होता है 1/7, तो 7 के क्रय मूल्य में कितने में बेचोगे बच्चे, विक्रय मूल्य कितना होगा बताओ, 1 के नुकसान में मतलब कितने में बेचोगे, 6 में, क्लियर है कि नहीं? तो नुकसान हो रहा होगा तो कम कर देते हैं, प्रॉफिट होता है तो बढ़ा देते हैं, क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो ऐसे परसेंटेज से डरोगे तो नहीं ना, तो बस ऐसे प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट दिया रहता, परसेंटेज की क्लास देख लोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? 1-2 क्लास देखोगे तो भी काफी रहेगा, उतने में समझ में आ जाएगा, चलिए इतना ठीक है। तो ये बताओ आपको दोनों रास्ते क्लियर है अच्छे से, दोनों रास्तों से आप रेशियो बना सकते हैं। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, पहले इतना क्लियर है, ठीक है? अगर हम आपसे बोलते हैं कि आपको 20% का फायदा होता है, कितने परसेंट का फायदा होता है, तो आप हमेशा मन में क्रय मूल्य कितना मान के चलते हैं, 100, कितना मान के चलते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120% कितना हो जाएगा, 100, क्या ये क्लियर है ना?
अब हम कराने वाले हैं क्वेश्चन, क्या कराने वाले हैं, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। ये है आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको समझना बस है, सॉल्यूशन लिखना, क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना, पूरा पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, और ये पूरा जो मैं लिख रहा हूँ ये भी नोट्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग सॉल्यूशन लिखते चलिएगा, ठीक है। ठीक है, अभी सेव नहीं कर पाए, सेव करना था वैसे, चलो ये क्वेश्चन है, अभी अभी देखते क्या है। अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज में आइएगा। क्वेश्चन लिखा है बच्चे कि यदि कोई व्यक्ति, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 3,000 रुपए में खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है, 3,000 रुपए में खरीदता है, और वह 10% के लाभ पर बेचता है, कितने परसेंट के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करता है। पहले क्वेश्चन को समझो, पहले भाषा को समझो, तब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज में बोला है, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीदता है, 3,000 रुपए में, कितने में खरीदता है बच्चे, 3,000, तो ये 3,000 रुपए जितने में खरीदता है, खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, खरीदने का मतलब क्या होता है, जिस कीमत पे आप वस्तु खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। तो एक तरह से ये क्रय मूल्य कितना दे दिया है आपको, 3,000, क्रय मूल्य कितना दे दिया है, 3,000, समझ रहे हैं ना, जिस कीमत पे वस्तु को खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, खरीदी कीमत क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना दे दिया है, 3,000, और वह उसे 10% लाभ पर बेच रहा है, कितने परसेंट के लाभ पर बेच रहा है, 10%। तो अब आपको पूछा है उस वस्तु का क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य, मतलब आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, क्या निकालना है, कैसे करेंगे इसको, ऑप्शन को करने के 2-3 रास्ते हैं, एक एक करके बताते हैं, पहले सीखने का काम करना, फिर स्पीड में आ जाएंगे, फिर जो इजी लगेगा उसको करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताओ, आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, पहले ये बताओ, पहला मेथड देखना, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। तो अगर हम आपसे पूछें, ये बताइए सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं, सीपी को आप हमेशा कितना मानते हैं, 100, और 10% का फायदा है कितना हो जाएगा, 110, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा, 10:11, कितना हो जाएगा, 10:11, ये क्रय और विक्रय का आपने रेशियो निकाल लिया। लेकिन आपसे बच्चे यहाँ पे पूछा क्या है, आपसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य, और दिया क्या है आपको, क्रय मूल्य, क्या दिया है, क्रय मूल्य। तो जो दिया रहता है ना उससे हम तुलना करेंगे, रेशियो का कंसेप्ट अब हम आपको बता रहे हैं, उससे क्या करेंगे, तुलना, क्या करेंगे, तुलना। तुलना मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे बोल दूं $1 की कीमत 80 रुपए है, $1 की कीमत 80 रुपए, तो $2 की कीमत क्या होगी, 160 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, $1 अगर 80 रुपए का है तो $2 कितने का होगा, 160, और $3 80 का गुणा किससे हो जाएगा, 3 से, $4 80 का गुणा हो जाएगा 4 से, $5 5 का गुणा हो जाएगा 80 से, क्लियर है कि नहीं। तो अगर आपको एक का मान पता है तो जितने का भी मान पूछेगा आप गुणा करके निकाल सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो उसी प्रकार से बच्चे यहाँ पे देखिएगा, क्रय मूल्य कितना दिया है आपको, 3,000 कितना दिया है, और यहाँ पे क्रय मूल्य रेशियो में कितना है, ये 10 रेशियो की जगह कितना होना चाहिए था, वास्तविक मान क्या है, 3,000 ना, और रेशियो में कितना है, 10, तो ये 10 रेशियो कितने के बराबर है, 3,000। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, कि जो हमारा 10 रेशियो है वो कितने के बराबर होना चाहिए, 3,000 रुपए के बराबर, हाँ या ना। लेकिन रेशियो में हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 11, कितना है, 11, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, 11 का, कि 10 अगर 3,000 है तो 11 कितने के बराबर होगा, हाँ या ना। तो कैसे करते हैं ये बताते हैं,
तो 10 बराबर 3000 है, तो आप ये बता सकते हैं क्या कि 1 बराबर क्या होगा? 10 बराबर 3000 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3000, और ये 10 कहां जाएगा? नीचे। तो ये सॉल्व हो जाएगा कितना? 0 से 0, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 300 रुपए। कितना आ जाएगा? 300। तो 10 रेशियो का मान 3000 है, तो 1 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 3000 बटा 10 मतलब 300 रुपए। तो 1 रेशियो का मान अगर 300 रुपए है, तो 11 का मान कितना होगा? तो 11 का गुणा सीधा सा किससे हो जाएगा? 300 से, और ये हो जाएगा 3300 रुपए, और यही आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? फिर से बता रहे हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा, रेशियो मेथड से कराएं, इससे भी आसान मेथड है अभी, लेकिन पहले आप एक एक करके समझिए, क्योंकि कंसेप्ट आपका बिल्ड करना जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बस एक कंपैरिजन होता है। शायद ये कम समझ में आएगा, क्योंकि आपको कंपैरिजन में बड़ा ही आपका, आप लोग मैथ्स को मालूम क्या समझते हो, आप सोचते हो फॉर्मूला है, कोई गणित है, ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम कॉमन सेंस चलता है गणित में। और कॉमन सेंस अगर आपके पास है, तो आप जीवन में हमेशा सफल होंगे, और गणित में तो सफल होंगे ही होंगे। जैसे अगर मान लो मैं बोलूं यहाँ पे एक ए है व्यक्ति और एक है बी, दोनों के आय का अनुपात मान लो दिया है 5:2, कितना दिया है? और मैं बोल दूं कि टोटल इनकम कितना है बच्चे? 7000, कितना है? और आपको ए और बी का अनुपात कितना है? 5:2। तो क्या आप 7000 को 5:2 में बांट सकते हैं? कैसे बांटेंगे? ये 5 है और ये कितना है? 2 है। तो 5 और 2 टोटल मिलके कितना होता है? 7। और टोटल 7 है, और 7 कितने के बराबर दिया है? 7000। तो 1 बराबर कैसे निकालेंगे मेरे भाई? तो ये 7 जो होता है वो कहाँ चला जाता है? नीचे आ जाता है। क्लियर है कि नहीं है? जब ये नीचे आ जाता है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। 1 बराबर अगर 1000 है, तो 5 बराबर क्या होगा? 5000। और 2 बराबर 2000, क्योंकि 1 का मान अगर 1000 है, तो 5 का मान निकालने के लिए गुणा कर देंगे। जैसे $1 की कीमत 80 है, तो $5 की कीमत कैसे निकालते थे? 5 का गुणा 80 से करके। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो यही चीज तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं करा रहा हूं यहाँ पे कि 10 रेशियो और ये क्या था? 11। और ये बताओ 10 रेशियो का मान आपके क्वेश्चन में कितना दिया है? 3000। तो 10 का मान अगर 30000 है, तो 10 का मान 3000 है, तो 1 का मान क्या होगा? 3000 बटा 10, तो कितना आ जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? 300। तो 1 का मान 300 है, तो क्या 11 का मान नहीं बता सकते? 11 का मान निकालने के लिए 11 का गुणा किससे हो जाएगा? 300 से, तो कितना आ जाएगा? 3300। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। क्या बोलता है? इकाई अंक वाला विधि। क्या बोलता है? कि जो दिया है उससे कंपैरिजन करके 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, और जो निकालना है फिर उससे गुणा कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं? समझ में आए? ये बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड बताएंगे, पहले इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यार? मैं लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार आप लोग इसको देखो। अब बताओ क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब मेरे ख्याल से उनको भी दिखने लगा होगा, बच्चों को नहीं दिख रहा था पहले। चलिए, यहां तक समझ में आ गया बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। तो पहला मेथड था, पहला मेथड क्लियर है? पहला विधि क्लियर है? एक और तरीका था आसान, ये वाला तरीका, रेशियो मेथड। क्लियर है कि नहीं? तो जो दिया रहता है उससे क्या करते हैं? कंपैरिजन, और जो पूछा रहता है उससे गुणा कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से हम करा सकते हैं। दूसरा तरीका सुनना,
क्वेश्चन क्या था पहले समझना, क्वेश्चन क्या बोला था कि वस्तु का क्या दिया था सबसे पहले बताओ, क्रय मूल्य कितना दिया था 3000 रुपए और फायदा कितने का हो रहा था 10%। और आपसे क्या पूछा था, बहुत आसान क्वेश्चन है तो सीधा सीधा, तो आप इसको सीधा सीधा कैसे बनाते बिना बुद्धि लगाए डायरेक्ट, 3000 रुपए का सामान है, मार्कर कितने का है 3000, मुनाफा कितने का होता है 10%, तो 10% निकाल लो पहले, 10% 3000 का कितना होता है, कितना होता है 300, कितना होता है 300 का मुनाफा हो रहा है, 3000 का मार्कर है 300 का मुनाफा है, बेचोगे कितने में एक बार बताओ, तुम्हारे पिताजी ने बोला बेटा ये 3000 का मार्कर खरीद के लाया हूं और इसको तुमको 300 रुपए का फायदा कमाना है, कितने में बेचोगे, कितने में बेचोगे 3700 में बेचोगे ना, 3000 अगर एसपी निकालना है तो क्रय मूल्य से बढ़ा के बेचोगे ना मेरे भाई, फायदा होना है तो बढ़ा के बेचोगे, तो 3000 में कितना जोड़ दोगे 300, कितने का मैं बेचोगे मतलब, ये आंसर आ गया हाँ या ना, कॉमन सेंस तो यही है ना, रेशियो मेथड की कोई जरूरत थी, कोई जरूरत थी, लेकिन ये आना चाहिए, क्यों आना चाहिए क्योंकि जब अच्छे क्वेश्चन कराएंगे तो ये इसका भी उपयोग पता चलेगा, लेकिन ये बताओ ये वाला भी और ये दोनों मेथड क्लियर है कि नहीं, इसमें कुछ विशेष बताएं क्या, 3000 का सामान है 10% का फायदा कमाना है तो 10% 3000 का निकालोगे तो 300 रुपए होगा, 300 का फायदा कमाने के लिए भाई बेचोगे कितने में 3700 में, कौन सा दिमाग लगा रहे हो एक्स्ट्रा, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया, तो ये वाला मेथड भी अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आया पहले ये बताओ, ये एकदम बेसिक मेथड है, क्लियर है बच्चों, हो जाएगा कि नहीं होगा पहले ही बताओ, ठीक है। एक और मेथड देखो, सबसे अच्छा मेथड इस क्वेश्चन के लिए यही था, लेकिन कुछ क्वेश्चन के लिए वो भी काम आएगा, बहुत पता चलेगा अभी क्वेश्चन जब आप अलग अलग वैरायटी करेंगे तो कौन सा मेथड कब लगाना, पहले आप एक्सप्लोर करो कि ये चीजें हैं, फिर कौन बेहतर चीजें हैं वो आप खुद पता चलेगा धीरे धीरे, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। अब एक और तरीका सुनो, आपको हमने बोला था कि हमेशा क्रय मूल्य को अपने मन में मान के चलते हैं, कितना परसेंट है, कितना परसेंट है बोले थे हाँ या ना, और ये बताओ यहाँ पे फायदा कितने का हो रहा था, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्या ये क्लियर है हाँ या ना, क्लियर है, आपको क्रय मूल्य दे दिया था, कितना दे दिया था क्रय मूल्य, कितना दिया था, एक सवाल पूछूंगा, क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है 100%, कितना मान के चलते हो आप हमेशा, लेकिन किसका 100% होता है, खुद का, किसका होता है, खुद कौन है, क्रय मूल्य, और ये जो 10% का मुनाफा होता है ये किसका 10% निकालते हो आप, क्रय मूल्य का, किसका निकालते हो मेरे दोस्त, 10% का मुनाफा जो निकालते हो वो क्रय मूल्य का निकालते हो ना, खरीदी मूल्य का निकालते हो ना, तो जितना भी फायदा या नुकसान होता है वो क्रय मूल्य का निकालते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो ये बताओ विक्रय मूल्य भी 110% है तो 110% किसका होगा, क्रय मूल्य का होगा, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, ये भी किसका होगा, मतलब क्रय मूल्य का 100% कौन होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का 10% फायदा ये हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 110%, कितना होगा 110%, क्लियर है कि नहीं, लेकिन 110% किसका होगा, किसका होगा, कोई भी परसेंट निकालते हो तो हमेशा क्रय मूल्य का निकालते हो, किसका निकालते हो, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है एकदम, पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं। तो अगर आपसे अगर हम बोलते हैं कि आपको क्रय मूल्य दे दिया है, कितना दे दिया है 3000, कितना दे दिया है 3000, और हमने पूछा बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको पहले से पता है कि विक्रय मूल्य फायदा कितने का हो रहा है, पहले आप ये पूछेंगे फायदा कितने का हो रहा है 10%, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 110%, लेकिन किसका 3000 का, किसका 3000 का, और 110% कैसे सॉल्व करते हैं, परसेंट मतलब बटा 100, और ये हो गया 3000 का, 3000 में दो जीरो कैंसिल, और ये 0 0 दो जीरो हो जाएंगे, 3 × 11 = 33, ये हो गया आंसर, क्लियर है, ये समझ में आया हाँ या ना, कोई समस्या हो जाएगा। तो आपको हमने एक क्वेश्चन के कितने मेथड बताए हैं, तीनों मेथड इजी, तीनों मेथड इजी, ये मेथड सबसे अच्छा है, ये भी अच्छा है, पीछे वाला मेथड भी अच्छा है, लेकिन परसेंटेज जब फ्रैक्शन में होता है तो इससे अच्छा पहला ही वाला होता है, तब हम आपको सबसे कराएंगे, क्लियर है कि नहीं।
समझ में आ गया सभी बच्चों को? कोई समस्या है तो आगे बढ़े सीधा, ठीक है? लिखना है क्या इसको? लिख लो, बाद में फिर पछताओगे। लिख लो, बाद में पछताओगे, पहले बोल रहे हैं। इसको लिख लो, ये 100% किसका होता है? खुद का। ये 10% खुद का नहीं होता है, 10% क्रय मूल्य का। तभी ना हानि 10% हुआ तो 10% किसका निकाले थे मेरे भाई? ये देखो 10% किसका निकाले थे? 3000 का। यहां तो नहीं पूछे 10% 3000 का क्यों निकाले सर? यहां पे हम टेक्निकल बात बता दी, 10% क्रय मूल्य का ही निकालते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो फायदे का परसेंट हो नुकसान का परसेंट हो हमेशा क्रय मूल्य से निकाला जाता है। क्रय मूल्य खुद का 100% होता है और विक्रय मूल्य के लिए 100 से जोड़ते हैं और लॉस के लिए 100 से घटाते हैं। बताओ समझ में आया? चले आगे, क्लियर है? एक सवाल पूछूं अपने से। मान लो एक वस्तु आपने खरीदा 600 रुपए में, कितने में खरीदा? और आप चाहते हैं 20% का मुनाफा कमाना, कितने परसेंट का मुनाफा कमाना? तो आप कितने में बेचेंगे? दो रास्ते हैं करने के। पहला रास्ता 20% का मुनाफा मतलब कितना परसेंट निकाल लो? 120%। कितने का? ये क्लियर है कि नहीं? 120% कैसे निकालोगे? एक चीज याद रखना बच्चे, ये जो परसेंट दिख रहा है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सिखा दूं फास्ट। ये परसेंट दिख रहा है, परसेंट के साथ दो जीरो क्या हो जाता है? कट जाता है। परसेंट के साथ दो जीरो क्या हो जाता है? क्यों कटता है? क्योंकि परसेंट का मतलब होता है बटा सौ। क्या होता है? तो नीचे के दो जीरो और ऊपर के दो जीरो क्या हो जाते हैं? कैंसिल। इसलिए याद रखना परसेंट दो जीरो कैंसिल हो जाता है। 6 का 12 6 72 और एक जीरो लगाए तो एक जीरो। क्लियर है? आगे आसानी से, हाँ या ना? दूसरा रास्ता क्या था? 20% निकालना था किसका? 600 का। तो 600 का 10% कितना होता है? 60। कितना होता है? तो 20% कितना हो जाएगा? 60 और 60। का 20% निकालना है तो पहले आप 10% निकालो। कितना परसेंट निकालो? और 20% निकालने के लिए 10% का क्या कर दो? डबल क्या कर दो? ठीक है, तो डबल कितना हो जाएगा? 120। और 600 का सामान है, 120 का फायदा, कितने में बेचोगे? कितने में बेचोगे? पहले छोड़ो, अभी हम कैलकुलेशन के बारे में अभी नहीं बता रहे, पहले इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है, हर एक चीज एक साथ नहीं बता सकते ना, हर चीज का समय होता है। एक दिन में सारी गोली दे देंगे तो मर तो जाओगे, एकदम बेहोश हो जाओगे। वैसे एक साथ सारी गोली नहीं खानी, एक एक दिन में एक गोली। क्लियर है कि नहीं? बीमार पड़ते थे, इकट्ठा 5 दिन का कोर्स होता है कि 1 दिन का कोर्स होता है? 1 दिन में खा के ठीक हो जाता है इंसान, 5 दिन खाते हैं ना, वही पढ़ाई का कोर्स है। धीरे धीरे बताएंगे, एक साथ नहीं बताएंगे। पहले इतना क्लियर है ना? पहला रास्ता क्लियर था, चलो आ जाओ, फालतू में आपको परेशान नहीं करेंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन। पहले इतना क्लियर है ना? आ जाओ दूसरे सवाल। विवेक ने 195 रुपए में कप का एक सेट खरीदा, कितने रुपए में खरीदा? तो जितने में खरीदा वो क्या होता है? सीपी। क्या होता है? सीपी। लेकिन बाद में पुराने स्टॉक को 171.6 रुपए में बेचने के लिए उसने बेचना है? बाद में पुराने स्टॉक को 171.6, यही लिखा है, 171.6 में बेचने के लिए उसे बेचना पड़ा, हानि प्रतिशत क्या है? मतलब क्या बोलना चाहता है हम बताते हैं। एक प्लेट कप का प्लेट खरीदा था, ठीक है, कप का सेट खरीदा था, कितने रुपए में खरीदा था? 195 में। अभी हो गया पुराना, बिका नहीं इसका, तो ये पुराना हो गया, तो अभी सोचा यार इसके माल को निकालना है। जैसे होता है ना, आपका कोई सामान पड़ा हुआ है वो बिक नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको रेट बढ़ा के बेचेंगे फिर? कैसे दुकानदार हो यार, एकदम फर्जी दुकानदार हो क्या? कोई सामान है और वो बहुत पुराना हो गया, बिक ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे आप? कम करके बेचोगे ना? तो यही काम किया बेचारा ये, कितने में बेचने की बात कर दिया? 171.6 में रेट कम कर दिया, बोला बेच दो इतने में। क्लियर है कि नहीं? कम करके बेचोगे ना भाई, तो बताइए इसको लाभ होगा कि हानि होगा? हानि होगा। ये तो 100% है कहानी की, क्या होगा? हानि। तो ये बताइए हानि का क्या निकालना है? प्रतिशत। तो हानि का परसेंट निकालना है, और हानि का परसेंट कैसे निकालते थे? जितना हानि होता उसको ऊपर लिखते, नीचे में क्रय मूल्य और गुणा क्या करते थे? 100%। याद है कि भूल चुके हो? भूल गए होगे तो फिर दिक्कत वाली बात है।
तो इसमें इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटाएंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे कैसे, 195 में से 171.6 माइनस कर लोगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 0.0, तो 0.4 हो जाएगा, 4, 3, 1, 4 और ये हो गया 2, कितना आ जाएगा 23.4। तो यहाँ पे लॉस हो गया 23.4 का। नीचे क्रय मूल्य लिखोगे, क्रय मूल्य कितना है 195, और परसेंट निकालने के लिए गुणा क्या करोगे, क्लियर है कि नहीं, गुणा क्या करोगे 100 और ये आ जाएगा परसेंट। क्लियर है बच्चे, आया समझ में कि नहीं आया, हाँ या ना। तो अब इसको हल करना पड़ेगा, अब हल करने के लिए क्या चीज की जरूरत है, कैलकुलेशन, किसकी जरूरत है, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन भी सिखाएंगे, पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अभी लिखना नहीं, अभी सुन लो, लिखना हो तो लिख लो लेकिन समझ लो पहले। 5 से ये बताओ डेसिमल है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये डेसिमल हटा देंगे, जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, और ये 10 से 10 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 नौ 45, ये 39 है, ये 234 है, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तीन 9, 3 7 21 और 2 3 8 24, 13 से कट रहा है, 13 के पहाड़ा में 78 आता है, 13 6 78 और 6 2 कितना पे आंसर आएगा 12%, कितना आंसर आएगा 12%। क्लियर है कि पहाड़ा याद नहीं है तो मैं पहाड़ा याद कराऊं क्या आप लोगों को, याद होना चाहिए, याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, कॉपी में लिख लीजिएगा, आराम से सीखिए, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है, बहुत समय से पढ़ाई अगर छूट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, याद हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है, बस आप लिख लीजिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए और फिर हम एक कुछ बातें और बताएंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन कैसे आप फास्ट करेंगे बताएंगे। एक बच्चा बोल रहा है वीडियो रुक रुक के चल रहा है, हो सकता है बच्चे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू, कई बार नेटवर्क ठीक आता है कई बार खराब आता है, तो वीडियो तो रुक रुक के। क्लियर, अच्छा वाईफाई मिल जाता है ना यहाँ से चलाने के, नहीं मिलता, क्यों चेंज किया है क्या, क्या क्या करने के लिए चाहिए तुमको नेट क्या लगता है, ये स्लो चलने लगता है ना, तो तुम्हारे कारण से स्लो चलता है इसलिए तो पासवर्ड चेंज हो गया। चलिए क्लियर है सभी को, ठीक है ना, समझ में आ गया सभी को, आज नेटवर्क धीरे चल रहा है काफी स्लो, ये समझ में आया सभी को ना, इसलिए बच्चे रूप से चल रहा है, देखते हैं नेटवर्क का थोड़ा करते हैं कुछ ना कुछ, पहले इतना ठीक है, समझ में आया, लिख लियो कॉपी में, लिख लो जल्दी, तो समस्या हो तो पूछना डाउट कैलकुलेशन। एक बात ये बताने वाला है, माइनस जो की हो ना फास्ट कैसे करोगे सिखाऊंगा, क्लियर है ना, काटना तो पड़ेगा ही आपको, आप अपने से भी घर में काटा करिए, धीरे धीरे सीख जाओगे, टेबल याद होता है तो कैंसिल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, करें आगे। ये माइनस कैसे फास्ट करेंगे ये बताते हैं, ध्यान सुनो, थोड़ा ट्रिक भी सीख लिया करो, ठीक है। जैसे मान लो आपको मैं बोल दूं 200 और 200 में घटाना है 12.6 को, 12.6, तो बहुत सारे बच्चे बेसिक से तो माइनस कर ही लोगे जैसा किया था, हम आपको ट्रिक बताते हैं, ये संख्या कितना दिख रहा है 12, तो 12 का क्या करिए, एक बढ़ा दीजिए, कभी भी दशमलव वाली संख्या को किसी भी संख्या से घटाना हो तो ये जो दशमलव के पहले जो नंबर होता है उसका एक बढ़ा देते हैं, तो 12 का एक बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा, अब 200 में से कितना घटा दूं 13, घटा सकते हो कि नहीं, तो 200 में से 13 घटाओगे तो आपको पता है कितना आएगा 187, कितना आएगा 187। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है 0.6, क्या दिख रहा है 0.6, तो 0.6 को 10 से घटा दो, 6 को 10 से घटाओ कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है, ट्रिक क्या बोलता है, इसका एक बढ़ाना है और घटा देना है और इसको 10 से घटाना है, 0.6 है तो 10 से घटाओगे, 0.6 के बाद अगर एक अंक है तो उसको 10 से घटाना है, अगर 0.6 के बाद दो अंक होता तो 100 से, 0.6 के बाद तीन अंक होता तो 1000 से, लेकिन जनरली एक अंक या दो ही अंक होता है, या तो 10 से घटाओगे या तो 100 से, समझ में आए। जैसे मान लो मैंने बोल दिया यहाँ पे 250 में से घटाना है आपको 9.8, तो आंसर क्या आएगा,
9 का एक बढ़ा दो 10, 250 में से 10 घटाओगे तो 240, और 10 हम लोग 8 को 10 से घटाओगे तो क्लियर हो गया, स्पीड हो रहा है इससे, ठीक है। तो इसी का आप इसी तरीके से करिएगा माइनस, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे क्या है 195 में से 171 10 हम लोग 6 घटा रहे हैं, तो यहां पे क्या करोगे 100 और 100 तो कट गया, यहां पे क्या दिख रहा है 71 और यहां क्या दिख रहा है 95, तो 71 का एक बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 72, और 72 को 95 से घटाओगे तो 95 में से अगर 72 घटाते हो तो ये 3 और ये 2 कितना आ जाएगा 23। अब यहां पे क्या है 0.6 है, क्या है 0.6, तो यहां 10 से घटाओगे कितना आ जाएगा 4, क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे कर समझ में आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन साथ साथ सिखाते चलते हैं ताकि आपकी मदद हो जाए। अभी आइए इस क्वेश्चन, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है। एक आदमी एक उत्पाद 337 रुपए में, ठीक है, 337 रुपए में बेचता है, कितने में बेच रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस दे दिया है, क्या दे दिया है सेलिंग प्राइस, विक्रय, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, याद रखना बेचना मतलब विक्रय मूल्य, क्लियर है ना। तो ये 10% का क्या होता है बच्चे, इसको लाभ होता है, कितने परसेंट का लाभ होता है 10% का लाभ होता है, तो उत्पाद को लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, सही है। अब इसको कैसे करेंगे ये बताते हैं, पहले बताइए यहां तक क्लियर है सभी को, आप ये बताओ आप अपने से, अच्छा इसको करने के रेशियो मेथड से भी कर सकते हो और 100 वाले से कर सकते हो, किससे करना चाहोगे, रेशियो से करें, चलो रेशियो से करते हैं। ये बताओ 10% का मतलब कितना होता है 1/10, तो ये बताओ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बता सकते हो, क्रय मूल्य कितना है 10 है और फायदा कितने का हो रहा है 1 का, तो कितना हो जाएगा 11, सहमत हो, तो ये रेशियो आ गया 10:11, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 10:11, क्लियर है बच्चों। अब आप ये बताइए यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो जो दिया है उसी से ना कंपेयर करेंगे, तो ये बताओ यहाँ पे रेशियो में कितना है 11, तो आप कह सकते हैं 11 रेशियो कितने के बराबर है 333 रुपए के बराबर, हाँ या ना, तो ये बताओ 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 333/11, कुछ गड़बड़ लिखे हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, 333 ही था, थोड़ा सा गड़बड़ है लगता है गुरु, ठीक है चलो जैसा है वैसे ही करते रहें, जैसा है वैसे 11 तिया क्या हो जाएगा 11 तिया 33, फिर क्या लगेगा 0, क्या लगेगा 11 30 हो जाएगा 330, 11 30 डिवाइड करते बनता है कि नहीं बनता, तो मुझे पता है कई बच्चों को नहीं आता डिवाइड करना भी, तो 11 30 330 होगा, रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो बता दूंगा डिवाइड करना भी, टेंशन ना लेना, 3 दशमलव लगाएंगे तो फिर 30 हो जाएगा, तो 11 दुनी 22, कितना बच गया 8 और 0 80, तो 11 7 77, क्लियर है कि नहीं, तो आ जाएगा 3.727, तो 1 रेशियो का मान इतना रुपए है, आपको कितने रेशियो का मान चाहिए 10 का मान बता सकते हो, 1 के बराबर इतना है तो 10 के बराबर निकालने के लिए इसका किससे गुणा हो जाएगा 10 से, तो 10 × 30.27, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 10 का होगा, ये हो जाएगा 302.7 रुपए, क्लियर है कि नहीं। क्या गुणा उणा करना जानते हो कि नहीं जानते हो पहले बता दो सही से, तो ये बताओ इसमें कोई दिक्कत है, तो 10 का गुणा होगा 30 से तो ये हो जाएगा 302.7, क्योंकि जब 10 से गुणा करते हैं ना तो एक डेसिमल हट के इधर आ जाता है, ये डिजिट है ये इधर शिफ्ट हो जाता है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, हाँ या ना, डिवाइड करने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, क्लियर है बच्चों, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। ये एक तरीका था, दूसरा तरीका क्या था बताएं, क्रय मूल्य को आप हमेशा कितना मान के चलते हो 100%, कितना मान के चलते हो, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा ना, और 110% कितने के बराबर दिया है, हाँ या ना, तो आपको क्या निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना परसेंट है, तो ये बताओ 110% बराबर इतना है, तो 333/ क्या हो जाएगा 110 और गुणा क्या हो जाएगा 100, क्लियर है कि नहीं, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, क्लियर है कि नहीं, तो 0 और 0 क्या हो गया कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे यही चीज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30.27, 10 से गुणा करोगे तो 302.7,
क्लियर है कि नहीं, ये ठीक है कि ये ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों से करिए, क्लियर है कि नहीं, एग्जाम में खुद पता चल जाएगा, एक इजी ढूंढना उसी से करना एग्जाम में, क्लियर है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। क्लियर है बच्चों, समझ में आए, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं फिर इससे आएंगे, एक बेसिक बता रहा हूं थोड़ा, यहां तक क्लियर है, लिख लियो कि लिख रहे हो। अगर हम आपसे बोले 5 = 550 है, 7 = क्या होगा, 3 = 3 सवाल रखे हैं, तीनों से सीख लो थोड़ा सा, ये यही यूनिटरी मेथड वाला बता रहा हूं जिसमें स्पीड बन जाएगा। जैसे आपको दे दिया 5 रेशियो का मान कितना है 550, और आपको कितने का मान निकालना है 7, तो कैसे निकालेंगे बता रहे हैं, ये 550 दिख रहा है तो 550 को लिख दो पहले, लिख दिए। अब इसका जो रेशियो दिया है 550 का कितना रेशियो दिया है 5, तो जो दिया रहता है वो कहां चला जाता है नीचे, कहां चला जाता है, और जिसका रेशियो पूछा है वो कहां चला जाता है ऊपर, क्या ये क्लियर, हाँ या ना। अब इसको हल कर दो तो किसका रेशियो का मान पता चल जाएगा, कैसे, 5, क्लियर है कि नहीं, समझ में है, एक और कराता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 3 का मान 330 दिया है, इसका मान निकालना है 7 का, तो कैसे करेंगे, पहले 330 लिख लेंगे, जो दिया है कहाँ चला जाएगा नीचे, और जो पूछा है वो कहाँ चला जाएगा, तो याद क्या रखना है, जो दिया है वो नीचे, और जो पूछा है वो ऊपर, जो दिया है वो नीचे, जो पूछा है वो ऊपर, जो दिया है वो नीचे, जो पूछा है वो ऊपर, इसको 100 बार बोलो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। अब ये बताओ 3 से कट गया, 3 110 कितना आ जाएगा 700, क्लियर है कि नहीं, 9 = 630 8 = निकालना है, कैसे करोगे, जो दिया है वो नीचे और जो पूछा है वो ऊपर, 9 × 7 = 63 7 × 8 = 56 कितना आ जाएगा 507, क्लियर है कि नहीं, यूनिटरी मेथड में बहुत मदद करेगा ये, क्लियर है कि नहीं, जो दिया है वो, जो पूछा है वो, समझ रहे हो, क्लियर है कि नहीं, आ जाओ इधर, क्वेश्चन क्लियर है सभी को, अब इसको करते हैं। क्या लिखा है, एक वस्तु लागत मूल्य से 23% अधिक पर बेची गई, लागत मूल्य से 23% अधिक पर, 23% अधिक पर बोला है, अधिक का ही मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, क्या होता है, ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, तो एक तरह से प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट कितना दे दिया है, लाभ की जगह क्या बोल दिया है, लागत मूल्य से अधिक पर बेची गई, तो भैया पता है जो अधिक